मतलब यही इसी वायर में दोनों में जा रहा है, ये एक इन एक इन आउट जा रहा है, ठीक है, ये पूरा घूम के इधर आ रही है, ठीक है, इसी तरह ये चारों लूप है, चार लूप का पैनल है, 1 2 3 4 जैसे, ठीक है, ठीक है। तो उसमें बाकी मैंने आपको वो लूप का बता दिया, ये बस है, अगर ये कहीं से भी कटी होगी वायर, ठीक है ना, कहीं से कटी है, कहीं से कुछ है, तो आपको ये पैनल से देखना पड़ेगा कि कहाँ कटी हुई है वायर, के एक इसमें डिवाइस चेक कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 जहाँ से नहीं आ रहा फिर आपने वहाँ से ट्रेसना है वायर, ट्रेस करना है, 24 वोल्टेज होते हैं इधर, अगर मीटर में मैं दिखाऊंगा ना आपको, 24 वोल्टेज डिवाइस के वोल्टेज होते हैं, वो आपने सही चेक करना है वन बाई वन। दूसरा ये नेटवर्क भी ऐसा ही है, एक इन एक आउट है, यानी कि एक पैनल से नेटवर्क की वायर ये इन में आई है, ये दूसरे नेक्स्ट पे चली गई, चली गई, सही, ठीक है, ये है, ये चारों लूप मैंने जो आपको बताए हैं, लूप का पूरा बता दिया नीचे, ये लूप फर्स्ट डिवाइस पे गया है, वहाँ से रिटर्न होके वापस आया, सही, ये है बस, और देखें कोई भी वायर नहीं है, नहीं है कोई और नहीं, ये नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है, ऐसे ही पैनल से आई है, मेन पैनल से, इसमें इससे दूसरे पैनल में, दूसरे से 408 है, ये ऊपर से आया 75 से है, जी जी, ये है बस। अगर सपोज नेटवर्क नहीं काम कर रहा, आपको ये देखना है डायग्राम से कि ये कहाँ से आ रही है, ये हमारे रूम सिक्योरिटी रूम से आ रही है, हाँ जी, ये आ रही 75 फ्लोर से आ रही है, जी ये काम कर रहा है, इससे आगे वाला नहीं काम कर रहा, मीन्स आपकी ये वाली वायर खराब है, सही, ये है बस पैनल, बाकी बैटरी बैकअप नीचे लगा हुआ है।